नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कंचन मिश्रा और आप देख रहे हैं कानूनी जंग न्यूज। चलिए रुक करते हैं आज के कुछ खास खबरों की तरफ। शिविर का आयोजन मोतिहारी के छपिया प्रखंड परिसर के अंतर्गत सभी दिव्यांगों को सरकारी योजनाओं से लाभान्वित कराने के दृष्टिकोण से एलिंगो कानपुर द्वारा दिव्यांगों का रजिस्ट्रेशन और जाँच कराने का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन पीपरा विधायक श्याम बाबू यादव और चपिया अनुमंडल पदाधिकारी शंभु शरण पांडे, प्रमुख कुमारी बीना और उप प्रमुख अपर्णा पांडे ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर अनुमंडल पदाधिकारी ने कहा कि सरकारी लाभ से वंचित दिव्यांगों को योजनाओं से लाभान्वित कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने हेतु सभी दिव्यांगों के लिए शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में जांच के उपरांत दिव्यांगों की सूची बनाकर एलिंको के माध्यम से सरकार को भेजा जाएगा। परिसर में शिविर का स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपने भी देखा कि माननीय विधायक के द्वारा इस शिविर का शुभारम्भ किया गया और इसमें सभी खंड विकास पदाधिकारी और माननीय प्रमुख भी उपस्थित हैं। जिले से ADSS साहब श्री धीरज कुमार जी किया है। आपको अवगत कराना चाहेंगे कि आज का शिविर सामाजिक कल्याण के दृष्टिकोण से सबको ज्ञात है कि दिव्यांगजनों को लेकर आज का इस शिविर आयोजित किया गया है, जिसके दो घटक हैं मूलतः, एक ADIP और दूसरा राष्ट्रीय व्यवस्थीय योजना। ADIP दिव्यांगों को सहायक उपकरण उपलब्ध कराती है निःशुल्क, और राष्ट्रीय व्यवस्थीय योजना के तहत जो बीपीएल परिवार के या उस प्रकार के पात्र परिवार हैं उनके या वृद्धावस्था में जो आपकी समस्या या इस प्रकार की और दिव्यांगता या विकलांगता या इस तरह से पूरी समस्या जो आती है उसके निदान के लिए आज का ये शिविर आयोजित किया गया है। ये शिविर दो चरण में होगा। आज का शिविर तो पंजीकरण के लिए है, जो लोग पंजीकृत होंगे और एक पात्रता है, एक पहचान पत्र और एक उनके साथ जो आवश्यक कागजात संलग्न करके वो अपना पंजीकरण कराएंगे और अगले कैंप में उनको निःशुल्क यंत्र उपकरण दिव्यांगता से जुड़े हुए जो भी चीज का साथ इस तरह की चीज़ें उपलब्ध कराई जाएंगी। मीडिया के साथियों के माध्यम से हम जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है और जहाँ तक ये बात पहुँचे वो अपना पंजीकरण कराना सुनिश्चित करें। 5 बजे तक एक कैंप है और इसमें अगर लोग छूट भी जाते हैं तो दूसरे कैंप के लिए भी हम ADSS साहब से अनुरोध करेंगे। बस इतना ही कहेंगे कि आज के इस कार्यक्रम का आप लोग लाभ उठाएं। आप यहाँ आए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं उक्त कार्यक्रम की जानकारी देते हुए अनुमंडल पदाधिकारी ने बताया कि ट्राई साइकिल, मोटर वाहन, श्रवण यंत्र, छड़ी आदि दिव्यांगों को देने के दृष्टिकोण से दिव्यांगों के शिविर का आयोजन किया गया है, जिनमें उनका जांच कर 40% से अधिक दिव्यांगों को सर्टिफिकेट और उपरोक्त यंत्र दिया जाएगा। कार्यक्रम में सैकड़ों दिव्यांगों की जाँच कर उनका रजिस्ट्रेशन किया गया। कानूनी संघ न्यूज के लिए मोतिहारी से अजीत कुमार की रिपोर्ट।